सो हेलो फ्रेंड, तो आज का जो टॉपिक है वो बहुत ही बेसिक लेकिन बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है। आज के वीडियो में हम लोग बॉयलर का जो डेफिनेशन होता है उसके बारे में हम लोग देखेंगे। एक्चुअली इसमें बहुत लोग का काफ़ी कंफ्यूजन होता है कि जब कभी अगर बॉयलर का डेफिनेशन एग्जाम या इंटरव्यू पर पूछा जाता है तो हमें क्या लिखना चाहिए। तो आज के वीडियो में हमें इसी के बारे में डिस्कशन करेंगे कि बॉयलर का जो लेटेस्ट जो डेफिनेशन है वो क्या है, साथ में हम लोग जो जनरल डेफिनेशन है वो भी देखेंगे अकॉर्डिंग टू IBR जो 1923 के तहत है वो भी देखेंगे, और अभी जो लेटेस्ट यानी कि 2007 वाला जो डेफिनेशन है उसको भी हम लोग डिस्कशन करेंगे, और साथ में हम लोग ये भी जानेंगे कि कब किसी वेसल को हम लोग बॉयलर बोल सकते हैं, यानी कि उसका क्या टेम्परेचर होना चाहिए, क्या प्रेशर होना चाहिए और उसकी क्या कैपेसिटी होनी चाहिए। तो वीडियो बहुत ही इन्फॉर्मेटिव होने वाला है, तो मेरे साथ बने रहें, और यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लें ताकि इस टाइप के इन्फॉर्मेटिव आपको सबसे पहले मिले। तो चलिए बिना समय का वीडियो करते हैं स्टार्ट। बॉयलर डेफिनेशन, तो देखिए जैसा हमने यहाँ पे तीन डेफिनेशन को लिखा है, यानी तो बॉयलर का तीन परिभाषा हम लोग ने यहाँ पे जो है देखेंगे। ओके, एक है जनरल डेफिनेशन, दूसरा है एज पर IBR एक्ट 1923, और एक है एज पर IBR एक्ट 2007। ओके, तो इन तीनों डेफिनेशन को देखेंगे, जिसमें से अभी जो लेटेस्ट जो है, यानी कि मतलब लेटेस्ट नहीं, यानी कि 2007 में हो गया था, लेकिन ये जो है बहुत कम ही जगह जो है वो आपको देखने को मिलता है। तो इस वीडियो में हम लोग स्पेशली इसी के कारण जो है इसको हम लोग इस वीडियो को मैं बना रहा हूँ ताकि ये क्लियर हो पाए कि जब कभी भी आपको अगर एग्जाम या इंटरव्यू में पूछा जाए तो कौन सा आपको डेफिनेशन लिखना चाहिए, कौन सा डेफिनेशन अगर आप बोलते हैं तो वहां पर आपका ज्यादा इंप्रेशन बनेगा। ओके, तो आइए सबसे पहले हम लोग जनरल डेफिनेशन को देखते हैं। तो देखिए, जब कभी अगर किसी बॉयलर के बारे में समझाना हो या यदि हम लोग नॉर्मली किसी बॉयलर के बारे में समझने के लिए पढ़ते हैं तो ज्यादातर जगह जो आपको देखने को मिलेगा वो एक जनरल डेफिनेशन ही देखने को मिलेगा, यानी कि वहां पर ये लिखा होगा कि एक बॉयलर जो होता है वो आपका ये चीजें होती है, ये वहाँ पे वो काम किया जाता है, ऐसे होता है। जैसे अगर हम डेफिनेशन पढ़े तो बॉयलर इज ए क्लोज वेसल इन विच द हीट प्रोड्यूस बाय द कम्बशन ऑफ फ्यूल इज ट्रांसफर टू फीड वाटर टू जनरेट स्टीम, बॉयलर इज ए हीट एक्सचेंजर। यानी कि इस जनरल डेफिनेशन में ये बोल रहा कि बॉयलर एक क्लोज वेसल है जहां पर हीट को प्रोड्यूस किया जाता है, किसके द्वारा, तो फ्यूल को जलाकर, वो सॉलिड भी हो सकता है, लिक्विड भी हो सकता है या गैसेस भी हो सकता है। ओके, और उसके हीट को ट्रांसफर किया जाता है फीड वाटर में, और वही जो फीड वाटर यानी कि जो वाटर होता है उससे स्टीम को जनरेट किया जाता है। ओके, तो ये एक बॉयलर हो गया, और बॉयलर क्या है, तो हमारा जो बॉयलर है वो एक हीट एक्सचेंजर होता है, यानी कि वहां पर हीट जो होता है वो आदान प्रदान होता है, वहां पर एक्सचेंजिंग का काम होता है, इसलिए बॉयलर को एक हीट एक्सचेंजर कहा जाता है। ओके, तो ये एक जनरल डेफिनेशन हो गया। लेकिन सपोज अगर आप किसी इंटरव्यू के दौरान आपसे पूछ लिया जाए कि अकॉर्डिंग टू IBR हमें बताइए कि क्या आपका बॉयलर डेफिनेशन होता है, तो ज्यादातर देखेंगे कि आपका ये आपको डेफिनेशन जो है वो देखने को मिलेगा जहां पर एज पर IBR एक्ट 1923 के तहत। ओके, तो इसके जब ये रेगुलेशन एक्ट बना था तो उस समय एक बॉयलर का एक निश्चित डेफिनेशन दिया गया था, तो ये उसका है, यानी कि ये पुराना वाला है। ठीक है, फिर इसमें कुछ अमेंडमेंट्स किए गए, कुछ नए ऐड किए गए, जिसके तहत 2007 में अमेंडमेंट्स करके एक आपको नया डेफिनेशन मिला। तो सबसे पहले 1923 वाला हम लोग देख लेते हैं। तो एज पर IBR एक्ट 1923 के तहत आपका जो बॉयलर होता है, बॉयलर मीन्स एनी क्लोज वेसल एक्सीडिंग 22.75 लीटर इन कैपेसिटी विच इज यूज स्पेशली फॉर जनरेटिंग स्टीम अंडर प्रेशर एंड इंक्लूड्स एनी माउंटिंग और अदर फिटिंग्स अटैच टू सच ए वेसल विच इज होली एंड पार्सली अंडर प्रेशर व्हेन स्टीम इज सेट अप। यानी कि IBR एक्ट 1923 के तहत बॉयलर का क्या मतलब होता है, तो बॉयलर का मतलब होता है कि बॉयलर जो है वो एक क्लोज वेसल होगा जिसकी कैपेसिटी जो है वो 22.75 लीटर जो है उसकी कैपेसिटी होगी, उससे ज्यादा होगी उसकी कैपेसिटी। ओके, इसका यूज जो होगा वो स्टीम जनरेट के लिए किया जाएगा, जो कि आपका कुछ ना कुछ उसमें माउंटिंग होंगे, फिटिंग होंगे, और जो कि है वो या तो वो होली पार्स प्रेशर में रहे या पार्सली प्रेशर में रहेगा। ठीक है, तो इसको हम लोग 1923 के IBR एक्ट के तहत उसे हम लोग इस टाइप के वेसल को हम लोग बॉयलर बोलेंगे। ओके, उसके बाद कुछ अमेंडमेंट्स किए गए 2007 में, और फिर एक नया डेफिनेशन बनाया गया। अब देखिए, एज पर IBR एक्ट 2007, तो अभी का जो आप डेफिनेशन कहीं पर भी बोलेंगे या लिखेंगे या कहीं भी एक्सप्रेस करेंगे तो इसको यही करना चाहिए, क्योंकि यही जो है वो अभी लेटेस्ट है, यही डेफिनेशन जो है वो नया है। ठीक है, क्योंकि इसी को सुधार करके फिर इसको नया डेफिनेशन बनाया गया, तो ये कहीं पर भी अगर आप बोलते हैं या एक्सप्रेस करते हैं तो वहां पर जो इम्प्रेशन होगा वो आपका बेटर होगा। ओके, अदर के मुकाबले में, तो या इसके तहत क्या है कि बॉयलर मीन्स इज ए प्रेशर वेसल इन विच स्टीम इज जनरेटेड फॉर यूज एक्सटर्नल
to itself by application of heat which is only and partially under pressure when steam is set off, but does not include a pressure vessel. यानी कि यहाँ पर जो definition में ये बोल दे रहा है कि बॉयलर क्या है, एक प्रेशर वेसल है जहां पर स्टीम जनरेट किया जाता है एक्सटर्नल टू इटसेल्फ यूज करने के लिए, ठीक है, बाय द एप्लीकेशन ऑफ हीट जो कि पार्शली अंडर प्रेशर में होगा या होली प्रेशर में होगा. ओके, बट इट डज नॉट इंक्लूड ए प्रेशर वेसल. ये प्रेशर वेसल नहीं होगा कब, जब ये तीन चीजों को ये फॉलो नहीं करेगा. ठीक है, तो इन तीन पॉइंट को आपको याद रखना है. तो पहले जो पॉइंट है कि बोला कि विथ कैपेसिटी लेस देन 25 लीटर, अगर 25 लीटर के नीचे वाला है ओके, तो ये एक प्रेशर वेसल नहीं कहलाएगा, ये बॉयलर नहीं कहलाएगा. और इसकी जो कैपेसिटी जो मेजर की जाएगी, ये सच कैपेसिटी बीइंग मेजर फ्रॉम फीड चेक वाल्व टू MSSB. ठीक है, तो फीड चेक वाल्व क्या होता है बॉयलर का, और जो MSSB होता है, इन दोनों के बीच में जो कैपेसिटी होती है वो इसकी मेजर की जाती है, जो कि 25 लीटर या उससे ज्यादा होगा तो ये बॉयलर कहलाएगा. नेक्स्ट क्या पॉइंट कहा गया है कि With less than 1 kg/cm² design pressure and working gauge pressure, यानी कि इसकी जो प्रेशर होना चाहिए ये 1 kg/cm² से ज्यादा होगा तो ये बॉयलर कहलाएगा. नेक्स्ट क्या पॉइंट कहता है कि इन विच वाटर इज हीटेड बिलो 100 डिग्री सेंटीग्रेड. तो ठीक है, यानी कि अगर 100 डिग्री सेंटीग्रेड के बिलो अगर वाटर को हीट किया जा रहा है, मतलब वो बॉयलर नहीं है. यानी कि हमारा जो बॉयलर तभी कहलाएगा जब 100 डिग्री सेंटीग्रेड के ऊपर हम लोग इसको हीट करेंगे. ओके, यानी कि टेम्परेचर वहां जो होना चाहिए वो 100 डिग्री सेंटीग्रेड या उसके ऊपर होना चाहिए. ओके, तो ये तीन अगर पॉइंट को फॉलो करता है तो ही एक प्रेशर वेसल को हम लोग बॉयलर कहेंगे. ओके, तो ये हो गया अभी का जो 2007 IBR एक्ट के तहत जो डेफिनेशन है. ओके, तो इनकेस अगर कहीं आपको बताना है या एग्जाम में लिखना हो तो आप इसको लिख सकते हैं. ओके, आई होप कि ये जो तीनों का में जो डेफिनेशन है और जो अंतर है वो आप सभी का क्लियर हुआ होगा. वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा तो प्लीज वीडियो को लाइक जरूर करें और ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें. अब हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद.